हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर डी टॉकिंग में। आज का मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बताने वाला जो कि बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार कैबिनेट की बैठक 16 एजेंडों पर लगी मोहर। स्वास्थ्य के 7990 पदों का सृजन। समस्तीपुर और छपरा में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, आगे चलिए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार के मंत्रिमंडल की बैठक की गई है। आज की कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर लगी मोहर। देख सकते हैं, इस कैबिनेट की बैठक में तेजस्वी यादव के साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए कई फैसले लिए गए। आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ स्वास्थ्य विभाग के कई फैसले लिए गए। यानी जो भी 8,753 वाले हैं, 10,709 वाले हैं, तो आप लोग के लिए भी खुशखबरी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आप वीडियो पूरा देखिए। इस कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग के लिए 7990 पदों के सृजन किया गया। छपरा और समस्तीपुर में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा सदर अस्पतालों में डेसर के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। छपरा मेडिकल कॉलेज के लिए 423 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। देखिए, जितने भी नए पद का सृजन हो रहा, तो आप समझ जाइए कि आप लोग का जो भी है अन्य विभाग से भी है, स्वास्थ्य विभाग में मतलब कि जैसे कि ड्रेसर वगैरह है, सबके लिए आप देख सकते हैं, सभी के लिए गुड न्यूज है। इसलिए सारे लोग का अब कोई भी बेरोजगार नहीं रहने वाले, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पर इतना ज़्यादा फोकस किया गया है कहने का बात। और जो भी 8,753 वाले हैं, आप लोग भी सुन लीजिए, आप लोग के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। तो आगे चलिए बताते हैं आपको। कैबिनेट की बैठक में 35 सदर अस्पतालों में ड्रेसर के अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता को देखते हुए 210 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इससे राज्य की आम जनता को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार को ड्रेसर के इन 210 पदों के सृजन से हर साल 7,35,30,160 रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही स्वास्थ्य विभाग पे ध्यान दिया जा रहा है। आगे चलिए बता और देख सकते हैं, समस्तीपुर छपरा में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति, यानी मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं। तो जब हम मेडिकल कॉलेज खुलेगा, तो आप लोग जान लीजिए वहाँ स्टाफ का बहुत ज़रूरत पड़ता है। जो भी GNM लोग हैं, जो भी GNM सब किए हुए हैं, उन लोग का तो नौकरी अब कन्फर्म है। GNM वाले भी खुश हो जाए, क्योंकि आप लोग के लिए भी बहुत जल्द वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। और जो 8,753 वाले, आप लोग का भी जल्द ज्वाइनिंग होने वाला, क्योंकि ये आपका बैठक में सारा तो पेपर में नहीं आया, लेकिन ये आपका बैठक में बहुत रह बात हुई है। जो भी 8,753 वाले, आपको जल्द ही ज्वाइनिंग देखने के लिए मिलने वाला है। और जो 10,709 वाले हैं, आप लोग का इसमें जल्द ही ज्वाइनिंग दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि इसमें आपको सिर्फ काउंसलिंग का प्रोसेस होना है, और आपको जल्द ही ज्वाइनिंग देखने के लिए मिलने वाला, बहुत ज़्यादा तो 3 से 4 मंथ में आपको देखने के लिए ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो यही आज का आपके लिए गुड न्यूज़ था। तो आज देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में कितना ज़्यादा अभी फैसला लिया जा रहा है। तो आप लोग खुश रहिए, आप लोग को जल्द ही ज्वाइनिंग मिलने वाला है। थैंक यू।